गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये व्लॉग बना रही हूँ अपनी रूटीन शेयर करने के लिए, हमारी न्यू रूटीन एज एन AI इंजीनियर। रात के अभी 2:30 बज रहे हैं, मैंने अभी एक व्लॉग एडिट करके पोस्ट किया है और मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसके बाद मेरी क्या रूटीन होती है अनटिल नेक्स्ट डे। कल जो है ना मंडे मॉर्निंग है और जाहिद की भी जॉब का पहला दिन है, हम दोनों ही जॉब कर रहे हैं तो अब हमें बहुत ज़्यादा टफ स्केड्यूल होगा। तो अभी ना जाहिद और उर्वा सो रहे हैं इस रूम में और मैं जो है ना बस अपना व्लॉगिंग का काम कर रही थी। हमारे बैग बना के रखे हैं, ये जाहिद का बैग है, ये मेरा लैपटॉप का बैग है, ये उर्वा का स्कूल का बैग है और ये हमारे सुबह पहनने वाले कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, जाहिद के कपड़े हैं, उर्वा के कपड़े हैं और ये सो मैडम सो रही हैं। इसके अलावा क्योंकि ये हमारा फुल टाइम वर्किंग डेज है, हमें भी नहीं पता कि हम कितने मसरूफ़ होंगे और सब चीज़ें किस तरह से मैनेज करेंगे। वह हम लोगों ने खाने वाने बना के रख दिए हैं, कुछ चीज़ें जो बन सकती थी लाइक बिरयानी बना के रख दी है, चिकन को मसाला वसाला लगा के रख दिया है, आटा गूंद लिया है, सालन मतलब बना के रख लिया है और कबाब्स वगैरह बना लिए हैं। तो कुछ चीज़ें जो हम प्रिपेयर कर सकते थे वो सब कर लिए हैं। तो या गोइंग स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह, लेट्स डू दिस। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, मैं सोने जा रही हूँ, सी यू टुमारो। गाइज आई जस्ट वोक अप, अभी 8 बज रहे हैं और मैं उठ के अब बस तैयारी करती हूँ जल्दी से। अभी उर्वा सो रही है, जाहिद ऑफिस के लिए निकल गए हैं और मैं बस तैयार होकर फिर उर्वा को तैयार करती हूँ। अभी बिल्लियों को खाना डाला जल्दी जल्दी और ना कपड़े चेंज किए। ये चोको है, यहाँ बैठ के अभी खाना खा के फारिग हो गया है और माइलो बैठा अभी खाना खा रहा है। नाश्ता बनाने का और टाइम नहीं है, बस बिरयानी जाहिद ने बनाई थी वही गर्म करके खा रही हूँ मैं भी। उर्वा को मैंने नींद ही नींद में तैयार कर दी है और दोबारा से ये ब्लैंकेट डाल के सो गई है, कहती है मेरी बेटी जांगली। इसको मैं कहती हूँ मेरी बेटी जांगली, तो अपने आप को जांगली कह के सो गई है। उठ जा उर्वा, मेरी बेटी क्या है, मेरी बेटी जांगली। जांगली की शक्ल तो दिखाओ। ये जांगली पड़ी हुई है। ओके जी, बस अब हम जूते पहन रहे हैं और निकल रहे हैं। हेलो रुआ, जूता मिली जान, आंखें नहीं खुल रही इसके, अभी आंखें खुल गई है मेरी बेटी की। सारी उर्दू सब बजाती है, कितनी मेरी आंखें खुली हुई है, ये देखो। लेट्स गो, लाइट ऑफ कर लेते हैं। तो उर्वा को मैं जो है ना बाई कार ड्राइव करके ना इसको स्कूल छोड़ती होती हूँ। ये आ गया उर्वा का बैग। ओके जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं उर्वा के स्कूल। सी यू। उर्वा के स्कूल के ड्राइव वे में खड़ी हुई हूँ और हम लोग बिछड़ने के उसमें हैं। हम लोग अब बिछड़ने लगे हैं, मैं उर्वा को स्कूल छोड़ के आऊँगी। बाय बाय कर दो मेरी जान। तो मैं इसको छोड़ के आती हूँ, मेरा टेम्परेचर फिर चेक करेगी और फिर उसे बाय बाय करेगी। लव यू, बाय बाय। उर्वा कुर्वा के स्कूल मैंने ड्रॉप कर दी है, अब जो है ना मैं निकलने लगी हूँ। अभी 8:55 हो रहे हैं और बस मैं अब यहाँ से नेविगेशन लगाऊंगी कार की और सीधा अपने ऑफिस पहुँचूंगी इंशाल्लाह। आई होप कि मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँ 9 बजे तक। गाइस मैं ऑफिस से बिल्कुल करीब हूँ, बस हाईवे से निकलने लगी हूँ मैं अभी और मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लगे हैं। ये इस वक्त सुबह सुबह का मंजर है, धुएँ निकल रहे हैं गाड़ियों के। पार्किंग में अभी, ये मेरे ऑफिस की पार्किंग है, तस्वीर खींची है मेरी। एक्चुअली ये ई मार्ट की पार्किंग है और मतलब हम लोग भी खड़ी कर लेते हैं, पे करते हैं। यहाँ पे मंथली भी पे करना होता है और इसके अलावा मतलब डेली भी पे कर सकते हैं, तो मैं डेली पे करती हूँ एक्चुअली, जिस दिन आती हूँ उस दिन पे कर देती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने गाड़ी पार्किंग कर ली है और अब मैं जल्दी से भाग रही हूँ अपने ऑफिस के लिए। यहाँ से एलिवेटर लेनी है और अपनी एंट्रेंस डालनी है। कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, मैंने आँखें नहीं खुल रही सुबह से उठ के। जो है ना कॉफ़ी पीऊँगी फिर मेरी उसके बाद मीटिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो मैंने कहा जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ। बाद मैं अब थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ और मैं बस यहाँ खड़ी हुई थोड़ी सी ऐसे आंखें खोल रही हूँ अपनी, थोड़ी धूप लगवा रही हूँ। बहुत देर से मैं कोडिंग कर रही थी तो दिमाग काम नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा मैंने कहा धूप शूप लगवा लेते हैं। कॉफ़ी तो मैंने पी ली थी लेकिन अभी भी बहुत नींद आ रही है। और एक्चुअली छुट्टियों के बाद आई हूँ ना, तो अभी
रूटीन नहीं बन रही, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ली थी। साल की 10-15 छुट्टियाँ होती हैं पेड, वो मैंने मतलब पूरे साल की एकदम से लास्ट जो आखिरी दिन थे साल के 2021 के उसमें ले ली थी। तो घर में पड़े हुए बस नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ही देखी है, तो कंटिन्यूसली दिमाग में बस वही चीज़ें चल रही हैं और काम दिमाग में ही नहीं आ रहा। पहले मैं काफ़ी अपने काम करी थी, एक दो मैंने अभी काम कर लिए हैं। अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ ना जो मैंने अभी रिसेंटली किया था, उसी की कुछ अपडेट्स वगैरह करनी थी, वही कर रही थी मैं। और अपने सारे कोड्स देख रही थी बैठ के, क्योंकि अपने किए हुए कोड भी जो है ना वो भी भूल जाते हैं। गाइस तो ना अब लंच आवर हुआ है और मैं अपने कंपनी वालों के साथ ना खाना खाने आई हूँ, तो हम लोग सारे ना एक साथ ही खाना खाते हैं और सब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। वो लंच वंच कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। ऑफिस और उसके बाद ना हमारी मीटिंग होगी, तो सी यू आफ्टर मीटिंग। तो मेरी ना अभी कंपनी की मीटिंग ख़त्म हुई है और मैं अपना काम करने जा रही हूँ। इसके अलावा मुझे जल्दी से घर निकलना है, क्योंकि मुझे उर्वा को जाके स्कूल से पिक करना है। मैंने अभी अपनी कार पार्किंग की पेमेंट की है और बस मैं अभी अपनी कंपनी से अला हाफिज़ करूँगी। नॉर्मली यहाँ से हम लोग 6 बजे निकलते हैं, लेकिन मैं जल्दी निकलूँगी। मैंने अपने बॉस से बात की है और मतलब मैं 4 बजे निकल रही हूँ, 2 घंटे पहले, लेकिन बाकी काम घर से जाके करूँगी और मीटिंग वगैरह भी करूँगी। तो अब बाकी काम हो रहे सारे, मैं अलाफिस करके निकल आई हूँ। और क्योंकि न्यू ईयर है, तो हमारा बॉस ना हमारे लिए माल्टे लेकर आया हुआ था, तो मैंने अपने लिए उठा लिए। और अब मैं जा रही हूँ नीचे कार पार्किंग में और जाके कार निकालती हूँ। आई होप कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ और ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ। बाकी मेरी ऑफिस की मीटिंग जो होती है ना, उसमें अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी होती है और मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी रिजल्ट्स निकाले हुए थे नए, वो मैंने सारे दिखा दिए, तो मेरा बॉस बहुत खुश हो रहा था। कुछ मीटिंग्स ऐसी भी थी जो मुझे अभी भी करनी थी लाइक आफ्टर 4, लेकिन मतलब मेरी उन्होंने अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम और मुझे कहा कि ठीक है बाद में कर लेंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है सब। तो मैं घर से 1.8 किलोमीटर दूर हूँ और रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया ट्रैफिक का, और अब क्योंकि 5 बजने वाले हैं ना, तो इस टाइम इतना रश होता है गाड़ियों का कि बस ना पूछो। तो मैं 4:57 पे उर्वा के स्कूल वापस पहुंच गई हूँ और अब जाके उर्वा को लेती हूँ। उर्वा को मैंने पिक कर लिया, इसको देख के मेरी सारी थकावट खत्म हो जाती है। मिली जान, सारे दिन की टेंशन, सारे दिन की थकावट खत्म हो जाती है। ये उर्वा को बुक्स मिली है, इसकी टीचर मुझे बता रही थी उर्वा को पढ़ानी है। छे में इससा उर्वा भागता, देखो इस लड़की को। तो ये अपने माल्टे खा रही है, इसको मैंने माल्टे छील दिए हैं और अब मैं घर जाऊंगी। माल्टे आ रहा, मैंने इसे कहा ना ये माल्टे खा रही, तो कहती मुझे माल्टे पता है क्या होता है। तो हम लोग घर आ गए हैं और उर्वा को मैंने कुछ फ्रूट्स छील के दे रही हूँ। उर्वा ये खा ले मेरे बेटी, मिली बेटी, मेरी जंगली बेटी जो है ना फ्रूट्स खा ले। ये अभी अपने पजल्स वगैरह खेल रही है और मैं जो है ना अभी ऑफिस का काम करूँ, क्योंकि अभी भी मेरा ऑफिस का टाइम चल रहा है और मुझे कुछ काम करने हैं, एक दो मुझे मीटिंग्स करनी है जल्दी से, ताकि मैं ना फारिग हो जाऊँ जाहिर के आने से पहले, काम नहीं खत्म होते। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, ये साथ बैठे अपने फ्रूट्स खा रही है, कार्टून देख रही है। गाइस तो जाहिद ना ऑफिस से आ गए, हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे, जाहिद अपने पहले दिन के बारे में बता रहे थे, और अभी मैं ना बिरयानी गरम करके आई हूँ। आई मिली बेटी दांत कर लिए, आई 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 वाह, और लहरा लहरा के कर रही है, आई वही सदके। तो ये है हमारी बिरयानी, हम लोग तो अब पूरा हफ्ता यही बिरयानी खाएंगे। मुझे किसी ने कहा है कि ना आप ही 24 आवर बिरयानी चैलेंज करें, मैंने कहा 24 तो क्या पूरा हफ्ता खा सकते हो, तो अब नेक्स्ट जो है ना पूरे वीक का चैलेंज करूंगी बिरयानी। चुको और माइलो को खाना डाला, ये अपना खाना खा रहे हैं चप्पर 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 चप्पर। क्यूट से है भालू। उर्वा ने अभी खाना खाया और मैं इसका ब्रश लेके खड़ी हुई हूँ कि ब्रश करवा ले, तो इसको सुलाने लेके जाना है उर्वा। ओके जी, तो बिरयानी बिरयानी खा के चाय शाय पी के फारिग हो गई हैं, अभी बहुत थकावट हो रही है अभी। लेकिन जाहिद जो है ना बेचारे वो कचरा समेट रहे हैं, आज कचरा फेंकने का भी दिन है। और यहाँ हमारी बेटी बैठ के कुछ ड्राइंग्स कर रही हैं, ये बना रही है स्नोमैन, इन मार्क से लगी हुई है। ये देखिए एआई इंजीनियर क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ। जाहिद हेलो कर दें,
साहिद ने सारा कचरा सॉर्टिंग की हुई है, गत्ते, प्लास्टिक, कागज, और अभी भी दिन कंप्लीट नहीं हुआ, बस अब जो है ना सुबह को सुलाना, इस तरह के काम शाम हो जाते हैं। फिर ये है पूरे दिन की रूटीन 2022 की। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं तो थकावट से अब जो है ना मर रही हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।